हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आज सैटरडे है और सैटरडे को आपका एक्टिविटी डे होता है. ठीक है, आज मैं आपको एक्टिविटी डे पर राखी बनाना बता रही हूँ. राखी बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, देखिए ये मैंने यहाँ पर मौली के टुकड़े लिए हुए हैं, मौली के पीसेस हैं और ये एक टुकड़ा 30 सेंटीमीटर का है. ठीक है, ये देखिए ये वन पीस मौली का 30 सेंटीमीटर का पीस है. ठीक है, इस तरह से आपको ये पूरा 30 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ इसकी. इस तरह से आपको 6 मौली के टुकड़े चाहिए. ये देखिए 1 2 इस तरह से मैंने ये 6 मौली के ये टुकड़े लिए हैं यहाँ पर. ठीक है, कुछ मोती चाहिए ये सेंटर में डेकोरेट करने के लिए, कुछ इसकी स्ट्रिंग जो साइड की होती है ना जिससे मैं बांधते हैं राखी बांधने के लिए, वो मोती सफ़ेद रंग के मैंने ये मोती लिया. आपके पास जो भी कलर के मोती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं. और एक ये जो राखी का नीचे की जो कलाई में बांधने के लिए जो धागा होता है ये वो धागा है. और एक बड़ी सुई चाहिए होगी जिसको मैंने पहले ही इसमें धागे में इसमें हाथ में बांधने की जो कलाई में बांधने का धागा है उसमें पिरो के इसको रखा हुआ है एक साइड को. ठीक है, तो चलिए राखी बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे राखी बनाने के लिए, सबसे पहले ये सारे स्ट्रैंड्स जो है ये मोली के इसको हम एक साथ सबको यहाँ पर ऐसे करके और इसको मैं यहाँ पर एक छोटा से ऊन से बांध दूंगी. इस तरह से आपको ऊन का कोई भी छोटा पीस लेना है उसको ऐसे रखिए और इसके इस एंड को हम यहाँ पर ऐसे बांध देंगे, गांठ लगा देंगे उसमें. ठीक है, इस तरह से मैंने डबल नॉट यहाँ पर ये ऊन के धागे ऊन से यहाँ पर ये डबल नॉट इससे को वो कर दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसके हम 2 2 2 मौली एक एक साथ में लेंगे. इस तरह से मैंने ये 2 मौली एक साथ ली. ठीक है, अब हम इसकी चोटी बनाएंगे ऐसे इस तरह से करके. इस तरह से मैं पूरी मौली की ये चोटी बना लूंगी. ठीक है, ये देखिए ये चोटी इस तरह से बनेगी. ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी इसकी ये चोटी बना ली. यहाँ से शुरू करा था मैंने और ये एंड तक मैंने पूरी इसकी चोटी बना ली. ठीक है, अब इस एंड को भी हम जैसे मैंने पहले हमने पहले वाले एंड को सिक्योर करा था ना ऊन से, इस वाले एंड को भी मैं ऊन से सिक्योर कर दूंगी. ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, आपको फेविकॉल भी चाहिएगी राखी बनाने के लिए. ठीक है, चलिए इस हिस्से को भी मैं बांधती हूँ. अब हमारा ये बन के तैयार हो गया. अब इसके जो अनइवन एंड्स है, देखिए यहाँ पर ये जो अनइवन दिख रहा है ना, जो एक्स्ट्रा में ऐसा दिख रहा है वो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे. ठीक है, इस तरह से सीजर से कट कर देंगे सारा अनइवन पोर्शन. ठीक है, इसको बिल्कुल इवन कर देंगे. और ये ऊन के भी जो थ्रेड्स दिख रहे हैं ना, इससे हमने नॉट लगाई थी, अगर वो भी आपका बड़ा है तो आप उसको भी कट करके शॉर्ट कर दीजिए. ओके, और इस सेकेंड वाले साइड को भी हम, ये अनइवन है तो इसको भी इवन कर देंगे. तरह से हमने इस हिस्से को भी इवन कर दिया. ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये दोनों हिस्से साइड्स इसके इवन हो गए. अब इसको हमको किस तरह से रोल करना है, देखिए एक साइड हमने पकड़ा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करा. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पूरा चोटी को आप सीधा रख लीजिए और उसमें यहाँ पर पूरा एक साइड में फेविकॉल लगा देंगे यहाँ पर ऐसे. ठीक है, ये मैंने इसका एक साइड में पूरा फेविकॉल लगा दिया. अब हम क्या करेंगे, इसके एक हिस्से को लेके यहाँ पर अंदर टर्न करेंगे ऐसे ऐसे और इस तरह से हम इसको टर्न करते जाएंगे. ठीक है, इसमें फेविकॉल लगा हुआ है तो ये चिपकता जाएगा अपने आप ही ऐसे ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे. ठीक है, और ये जो ओपन हिस्सा दिख रहा है इसको हम नीचे करके और नीचे की तरफ इसको चिपका देंगे. यहाँ पर यहाँ पर जो भी आपका ऊन वगैरह दिख रहा है उसको सब आप नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे में भी फेविकॉल है तो वहाँ पर ये चिपक जाएगा. और कम है फेविकॉल तो थोड़ा सा और फेविकॉल लगा कर आप इसको यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से ये स्टिक हो गया नीचे. इस तरह से हमारा ये एक पीस मौली का बनकर तैयार हो गया. ठीक है, इसमें पीछे देखिए आपको कुछ भी अगर दिख रहा हो ना तो आप इसमें फेविकॉल लगा के इसको पूरा प्रॉपर स्टिक कर देंगे तो ये पूरा स्टिक हो जाएगा. इस तरह से हमारा ये पीस बनकर तैयार हो गया. अब मैं इसमें बीच में एक ये डेकोरेट करने के लिए इसमें बीच में एक ये
यहाँ पर एक मेरे पास है डेकोरेटिव पीस जिसको मैं इसमें फेविकॉल लगाकर इसको स्टिक करूँगी। मैं इसमें सेंटर में यहाँ पर फेविकॉल लगा देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल सेंटर में आपको लगाकर और इस मोती को आपको यहाँ पर स्टिक कर देना है, ठीक है, या आराम से आपका मोती यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, ये जो हमने कलाई में बांधने का धागा लिया था ना 30 सेंटीमीटर का, जिसमें सुई डाली थी, आपको एक तरफ इसके सुई डाल लेनी है और इस तरह से आपको लेना। अब इस धागे का सेंटर आपको देखना है, क्योंकि सेंटर के यहाँ पर ही हमको इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको सेंटर में रख के और हम इसको एक यहाँ पर चिपका देंगे। इस तरह से आपको एक पेपर का एक छोटा सा पीस करना है, इसको जस्ट सेंटर में यहाँ पर हम रखेंगे। इसमें पीछे सबसे पहले फेविकॉल लगाकर इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको जस्ट सेंटर में इसके चिपका दिया है। अब इसके ऊपर भी हम फेविकॉल लगाएंगे यहाँ पर ये फेविकॉल लगाकर ये जो हमारा बेस तैयार हुआ था ना सर्कल शेप का मौली का, वो इसके ऊपर स्टिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बेस बन गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रिंग में हम मोती डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये जो पीछे चिपकाया था ना, तो इसके ऊपर आप लोग एक और स्क्वायर सर्कल पीस पेपर का काट कर और ये इसके ऊपर भी चिपका दीजिए, तो ये धागा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बैक साइड में हमने जो धागा चिपकाया था ना, तो आप ये एक और धागा इसके ऊपर, वो एक और पेपर इसके ऊपर चिपका देंगे तो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें इसकी स्ट्रिंग में मोती डालेंगे। ये देखिए, मैंने नीडल में ये इसको डाल लिया था एक साइड का ये इसमें, अब हम मैं इसमें मोती डाल रही हूँ। मैं एक साइड में 7 पर्ल्स ले रही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, मोती डालने के पहले हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे जिससे कि मोती इसमें अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम इसमें दोनों साइड्स में इसमें गांठ लगा देंगे, ठीक है। एक साइड में मैंने लगाया और एक साइड में हम लगा देंगे, और अगर आपका ये बेस निकलता है तो आप इसको अच्छे से स्टिक कर दीजिएगा यहाँ पर फेविकॉल से, ठीक है। मैंने ये 7 पर्ल्स इस तरफ डाले, अब इस तरफ भी मैं इसको सुई में डालूंगी और इस तरफ भी मैं 7 मोती यहाँ पर डालूंगी इसमें। ये देखिए, मैंने इस तरफ भी स्टूडेंट सुई में ये धागा डाल दिया धागा। स्टूडेंट्स, आपको अगर आप रेशम का धागा लेंगे तो आपका धागा आराम से सुई में जाएगा, तो आप अगर ऊन ले रहे हैं तो आपको सुई मोटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बहुत मोटी मत ले लीजिएगा कि उसमें से मोती अंदर नहीं जाए, ठीक है। अब इस तरफ भी मैं 7 पर्ल्स डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने पहले ही गांठ लगा दिया है इधर कि मोती जिससे अंदर यहाँ पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं इस तरफ भी मोती डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरफ भी मोती डाल दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करूँगी, मैं दोनों साइड में मोती इसमें बाहर नहीं निकले तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें गांठ लगा देंगे जिससे कि मोती यहाँ से बाहर नहीं खिसकेगा, यही रहेगा मोती, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों साइड में इसमें गांठ लगा दिया, ठीक है। देखिए, ये दोनों साइड में इसमें गांठ लगा दिया और ये आपकी राखी, सेल्फ मेड राखी इज रेडी। और अगर आपके ये दोनों तरफ के पोर्शंस बराबर नहीं है सो आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा देखिए थोड़ा सा बड़ा है इस तरफ का, तो मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ से, आई एम कटिंग दिस, सो नाउ आवर राखी इज रेडी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से राखी बनाइए और आपका राखी मेकिंग वीडियो मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू।